हमें अभी एक रेस्क्यू कॉल आया था। हम लोग यहाँ पर रेस्क्यू करने आए थे। इन्होंने बताया था कि इस दरवाजे से अंदर इन्होंने सांप आते हुए देखा है। उसके बाद हमने काफी ढूंढा पर सांप कहीं नहीं मिला। फिर ये इस अलमारी में नीचे यहाँ पर गैप था, तो हमने ये अलमारी चेक करी। इसमें सांप था जो कि कोबरा है, काफी ज्यादा जहरीला होता है, तो अभी हम उसी का रेस्क्यू कर रहे हैं। वो तो ये कोबरा है, और आप मतलब इमेजिन करिए कि आप कपड़े निकाल रहे हैं और अलमारी से कोबरा निकल के आपको काट ले। तो ये इथिकली हमने कोबरा का रेस्क्यू किया है। आप लोग नॉर्मली देखेंगे लोग इनको पैर मारते हैं, एग्रेसिव करते हैं, जिससे कि ये फन फैला के काटने दौड़ते हैं। तो उन लोगों का उद्देश्य होता है सांप के साथ क्रूरता करके तमाशा दिखाना, पर जो हम काम कर रहे हैं वो एकदम साइंटिफिक है और बहुत आसान पद्धति से इसको रेस्क्यू करते हैं, इसलिए ये अपना फन भी नहीं फैलाता है। कई बार अगर कोबरा को टॉर्चर किया जाएगा या फिर उसको परेशान किया जाएगा तभी वो अपना फन फैलाता है। दूसरी चीज जो है इधर आ जाना, ये मतलब आप घर देखेंगे तो यहाँ पर दरवाजे के नीचे गैप था और अलमारी के नीचे भी गैप था। यहाँ पर काफी सारे चूहे थे, तो अगर ऐसी जगह हम उनको प्रोवाइड करेंगे तो सांप बिल्कुल डेफिनेटली घर में आएंगे। इसलिए कोशिश करें कि आपके घर में चूहे नहीं रहे। जितना आप चूहों से सुरक्षित रहेंगे उतना ही आप सांपों से बच पाएंगे। उसके लिए